हाय एवरीवन, दिस इज पान। गत अध्याय रे बंदी टीचिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल रे प्रेजेंट टेंस रो पासिव वॉइस देखिथिल। आज प्रायण सर यूट्यूब चैनल रे देखिबो द पासिव पास्ट टेंस रो, पास्ट टेंस रो पासिव वॉइस देखिबो। तो वर्तमान देखो सिंपल पास्ट, गत थरो हम आलोचना करथिले प्रेजेंट टेंस रो पासिव वॉइस, एथरो हम आलोचना करबा पास्ट टेंस रो पासिव वॉइस। तो बर्तमान आम आलोचना करवा सिंपल पास्ट रो। तो सिंपल पास्ट एक्टिव देख कौन लिखाई राम किल्ड रावण, एक्टिव वॉइस रे राम रावण को मारिले। तो पासिव वॉइस केमिति कराहबो, एठी ऑब्जेक्ट किए, ऑब्जेक्ट होची रावण, रावण ऑब्जेक्ट पोजिशन अच्छी। तो रावण राम को द्वारा मरा गला, जस्ट सिंपल। तो एठी ऑक्सिलरी वर्ब रो हेल्प नेबाक पड़े पासिव फॉर्म करिया पई। तो आंसर हला कोन, पासिव वॉइस रे रावण वाज किल्ड बाय राम। तो एठी आमे सहायककारी क्रिया बा ऑक्सिलरी वर्ब रो हेल्प नेबा। तो एक्टिव वॉइस रे मेन वर्ब किल पास्ट थिबा जबु, पासिव वॉइस रे वाज किल्ड मोरा गोला। तो हेल्पिंग वर्ब वाज आसिला, तापरे मेन वर्ब किल्ड वर्ब रो थर्ड पर्सन को आसिला। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, अर्थात राम को द्वारा रावण मरा गला। तो जे सब्जेक्ट पोजीशन रे थिले एक्टिव, सब्जेक्ट पोजीशन रे थिले राम, वर्तमान पैसिव वॉइस रे शेषरे आसिले बाय राम। तो पिला माने मन रख, सिंपल प्रेजेंट हो किंबा सिंपल पास्ट हो, सीधा सड़क मेन वर्ब व्यवहार हुए टेंस अनुसार। बर्तमान सिंपल पास्ट नहीं कि आम तो पासिव वॉइस करूचे। तो सिंपल पास्ट देख राम किल्ड रावण, सीधा सड़क मेन वर्ब व्यवहार होगा, किंतु जिते पासिव वॉइस को आसुचे एक्टिव वॉइस रे राम किल्ड रावण है सीधा सड़क मेन वर्ब व्यवहार, किंतु जिते आम पासिव वॉइस को आसुचे से पास्ट टेंस रो गोटे ऑक्सिलरी वर्ब रो हेल्प दरकार हो। तो से ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म अनुसार सिंगुलर फॉर्म अनुसार व्यवहार होगा वाज, तापर वर्ब रो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होची किल्ड, आम ये लिखिले बाय राम। तो नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव, ही एट एप्पल्स, से एप्पल खाइला, से आपल खाला एक्टिव वॉइस, पास्ट टेंस रे रहला मेन वर्ब। तो सीधा सड़ख मेन वर्ब रो व्यवहार होगा जितने आम पासिव फॉर्म को जाऊँ, पासिव वॉइस रे ऑब्जेक्ट देखिबा एप्पल्स, एप्पल्सटा को आम आगो को आनिबा, सब्जेक्ट पोजीशन को आनिबा। तो पासिव वॉइस रे कौन हम कर्मवाच्य, तो एप्पल्स वेयर ये प्लुरल सेंस रे अछि, ये प्लुरल सेंस रे अछि ऑब्जेक्ट, तेणुक प्लुरल अनुसार आमर वर्ब मध्य प्लुरल वर्ब पास्ट टेंस अनुसार यूज हबो। तो एप्पल्स वेयर ईटन वर्ब रो थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, ईटन बाय हिम, हिरु हिम को परिवर्तन हबो। जते ऑब्जेक्ट पोजीशन जीवो सब्जेक्ट प्रोनाउन होची ही, ताकु जते ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कन्वर्ट करबा से हबो हिम। तो एप्पल्स वेयर ईटन बाय हिम बा ता द्वारा आपल्स गुड़िक खिया गला देम। तो पिला माने नेक्स्ट देखियो नंबर टू पास्ट प्रोग्रेसिव। तो पिला माने पास्ट प्रोग्रेसिव रे ऑक्सिलरी वर्ब रो व्यवहार हुए, तापर मेन वर्ब रो व्यवहार हुए। एक्टिव देखिबा, तो एक्टिव दे वर प्लेइंग फुटबॉल, से माने फुटबॉल खेलुथिले, तो फुटबॉल सेमान को द्वारा खेला जाउथिला। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल एक्टिव रे देखिले, तो पासिव कौन होला फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। तो फुटबॉल होची सिंगुलर फॉर्म रे अछि, सिंगुलर फॉर्म थिबा ये होची ऑब्जेक्ट, ये कौन अछि सिंगुलर रे अछि। तो सिंगुलर फॉर्म थिबा जको एठी आमे फुटबॉल सिंगुलर रे लिखिबा, सिंगुलर वर्ब यूज हबो, ऑक्सिलरी वर्ब होची वाज। तो मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब एठी यूज हबो, फुटबॉल वाज बीइंग दुइट जक ऑक्सिलरी वर्ब, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, देरु देम। तो दे होची सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक्टिव रे थिवा सब्जेक्ट प्रोनाउन, एवं देम होची ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जेतले बाय देम हला से सेंटेंस रो लास्ट पोजीशन रे रहिला। तो फुटबॉल सिंगुलर अछि, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, फुटबॉल वाज
बिंग जेते बले प्लेइंग आईएनजी फॉर्म थाए एक्टिव रे आईएनजी फॉर्म यूज हुई थे सेते बले ऑक्सिलरी वर्ब सहित आउ गोटे अतिरिक्त ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए ताकु बिंग कह जाए जेते आईएनजी फॉर्म यूज होई थाए ओसे माने फुटबॉल खेलुथिले एक्टिव वॉइस रे हेले पैसिव वॉइस रे फुटबॉल से मानक द्वारा खेला जाउ थिला तो ए क्षेत्र रे फुटबॉल वाज बिंग प्लेड बाय देम फुटबॉल से मानक द्वारा खेला जाउ थिला अतिरिक्त वर्ब बिंग मेन वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म यूज होबो ठीक अछि तो सेकंड एग्जांपल को जीवा एक्टिव द बॉयज वेयर टेकिंग अम्ब्रेलास यार पैसिव वॉइस को दे जीवा पैसिव वॉइस रे अम्ब्रेलास के ऑब्जेक्ट अम्ब्रेलास अम्ब्रेलास प्लुरल सेंस रे अछि तो प्लुरल सेंस रे थिबारो प्लुरल वर्ब यूज होबो अम्ब्रेलास वेयर मेन वर्ब टेकिंग आईएनजी फॉर्म थिबा जगु एठी बीइंग अतिरिक्त वर्ब भाग रे यूज हला बीइंग टी अतिरिक्त वर्ब भाग रे यूज हला तो वेयर बीइंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन बाय देम देयर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होची देम दे होची सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होची देम देम को कन्वर्ट हला तो मोटा मोटी भाबरे कहया गले पिला माने अम्ब्रेलास प्लुरल फॉर्म रे थिबा जगु प्लुरल वर्ब यूज हला एवं ता सहित बीइंग अतिरिक्त वर्ब भाबरे यूज हला जेउ एक्टिव वॉइस रे जदि आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज हे थे तबे ऑक्सिलरी वर्ब सहित बीइंग अतिरिक्त वर्ब भाबरे यूज हेबो पुनि मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज हेबो जेमिति एटे यूज हेछि टेकन बाय देम ठीक अछि तो नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट को जीवा बाय हर तो पिला माने बर्तन देखिबा पास्ट परफेक्ट तो एक्टिव वॉइस रो पास्ट परफेक्ट देखिबा एक्टिव आई हैड सीन द पिक्चर मु पिक्चर देखी थिली तो पैसिव वॉइस कले कोन हबो पिक्चर मो द्वारा देखा जाई थिला तो आई हैड सीन द पिक्चर हैड बीन सीन बाय मी लिखाई छ द पिक्चर ऑब्जेक्ट होची पिक्चर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन को नै आनो पैसिव रे द पिक्चर हैड थिले हैड थिले जेते पैसिव वॉइस को आसीबो बीन एक अतिरिक्त वर्ब भाब रे यूज हबो तो बीन अतिरिक्त भाब रे यूज हला पोरे सीन सीन से वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज हबो तापरे आई जगह रे बाय मी आई होची सब्जेक्ट प्रोनाउन मी होची तारो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो बुझि पालो तो पिक्चर सिंगुलर फॉर्म रे अछि हैड बीन हैड पुनि बीन अतिरिक्त वर्ब भाब रे यूज हला तापरे सीन बाय मी तो नेक्स्ट एग्जांपल को जीवा एक्टिव She had taken the books. से बही नै थिला तो आरो पैसिव फॉर्म कोन हबो ना द बुक्स ऑब्जेक्ट प्लुरल सेंस रे अछि प्लुरल सेंस रे अछि ऑब्जेक्ट प्लुरल सेंस रे अछि तो से अनुसार पास्ट परफेक्ट अति सहज जेहेतु उभय सिंगुलर ओ प्लुरल सब्जेक्ट रे हार्ड व्यवहृत हुए किंतु प्रेजेंट परफेक्ट रे हम कोन करथले सिंगुलर पई हैज लिखुथले प्लुरल पई हैव लिखुथले आई पाखरे हैव लिखुथले किंतु पास्ट रे से प्रकार न हो पास्ट रे सिंगुलर रे मध्य हैड एवं प्लुरल रे मध्य हैड ही व्यवहृत हुए तो प्लुरल सब्जेक्ट द बुक्स प्लुरल रे अछि त बुक्स को फर्स्ट पोजीशन को नै जिबा त हैड तापर अतिरिक्त वर्ब यूज हबो बीन हैड लागिले बीन हबो जे जो प्रकार हैव बीन हैज बीन आमे लिखुतिले तो हैड बीन तबर मेन वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म रे यूज हबो तो टेकन बाय हर तो द बुक्स हैड बीन टेकन बाय हर सब्जेक्ट प्रोनाउन सी रो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होची हर तो द बुक्स हैड बीन टेकन बाय हर बही गुड़ी को ता द्वारा निया जाई थिला सिंपल प्रोग्रेसिव एवं परफेक्ट पास्ट रो सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट को भला बरे देखिले आशा करछि भला बरे तमे जानि परथिबो तेबे तम माने केते भला हाबरे जानि छो ताकु मु परीक्षा करिया पय किछि होमवर्क देबी बुझि परलो तो होमवर्क जदि तमे भला हाबरे करि पारिबो मु जानिबी तमे भला हाबरे बुझि पारिछ आ मु चाहुनी जे हमर राज्य रो पिला माने
एजुकेशन रे दुर्बल रुहंतु जदि किछि प्रश्न पचरे अछि तमे व्हाट्सएप करि मते क्वेश्चन करि पारो तो या उपर अधिक जानिबा पई तमे अधिक र अधिक वीडियो देखिबो लाइक करिबो एवं शेयर करिबो तो नेक्स्ट रे मु तुमको होमवर्क दाव जाउछि तो होमवर्क बर्तन मु एठी लेखिबी तमे होमवर्क गुडी को नोट करिबो तमे चलो होमवर्क करिबो सोडिस तो पिला माने तो बर्तन रो होमवर्क हला देखो प्रथम रे भीम किल्ड दुशासन मु लेखथिले एग्जांपल रे राम किल्ड रावण बहुत सहज आराम से करि परिबो जेम प्रेजेंट टेंस रे तमे करूथिलो ही ईट्स एप्पल एप्पल इज ईटन बाय हिम सिंपल पास्ट रे भीम किल्ड दुशासन दुशासन वाज किल्ड बाय भीम एई प्रकार मु क्लूटा दे देली तो ठीक सेमिति तमे आकु करिवो तो सिंपल पास्ट रे मन रख पिलाने सीधा सळख मेन वर्ब यूज हिते एक्टिव रे किंतु पैसिव रे अतिरिक्त भाव रे फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट परे ऑग्लर फॉर्म रो सहाय्य नबो तापरे मेन वर्ब टाको पार्टिसिपल फॉर्म रे यूज करिवो तो नंबर 2 आकु पैसिव करिवो एन ओल्ड मैन एट ऑरेंजेस बुढाटिए ऑरेंज गुडीको अर्थात कमळा गुडीको खाइला तो ऑब्जेक्ट टा प्लुरल सेंस रे अछि से अनुसार तमे एठी वर्ब गुडीको प्लुरल फॉर्म यूज करिवो तो एट अछि सीधा सळख गोटे ऑक्सिलरी वर्ब नबो पास्ट टेंस रे तापरे मेन वर्ब को पार्टिसिपल फॉर्म करिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट पिला माने क्रिकेट खेलु थिले उ थिले एठी अतिरिक्त वर्ब यूज हबो मु तुम कहि छी जे प्रेजेंट टाइम रे हम के सिखुथिले ना द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट आर बीइंग प्लेड बाय द बॉयज एटा होची प्रेजेंट टाइम रो कथा तो पास्ट टाइम तुम केमिति करबो ना द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट अछि क्रिकेट टाकु ऑब्जेक्ट पोजीशन को नै जिवो तापरे क्रिकेट सिंगुलर अछि क्रिकेट वाज पास्ट टेंस तापरे अतिरिक्त वर्ब बीइंग यूज करबो तापरे वर्ब पार्टिसिपल करि सेंटेंस को फिल अप करबो माने सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करबो तो नंबर 4 द टीचर्स वेयर टीचिंग द स्टूडेंट्स एठी ऑब्जेक्ट टा प्लुरल सेंस रे अछि तो एठी प्लुरल वर्ब यूज करिवो एवं अतिरिक्त वर्ब कोन यूज हबो तमे जानिछ पास्ट प्रोग्रेसिव पई तो 5 नंबर रो मु गोटे कहि दिए एठी पास्ट परफेक्ट रो दुटी एग्जांपल अछि केवल 5 नंबर रो कहि दे से अनुसार तमे ताकु आंसर तमे तार आंसर करिवो तो देखो द चिल्ड्रन हैड सीन द मैजिक पिला माने मैजिक देखी थिले तो मैजिक पिला मान को द्वारा देखा जाय थिला तो एठी कोन करबो द मैजिक हेउ किमा स्वीट्स हो दुटी जको ऑब्जेक्ट गोटे सिंगुलर अछि गोटे प्लुरल अछि दुटी जको ऑब्जेक्ट पई गोटे ही वर्ब हैड यूज हेबो तेणु पास्ट परफेक्ट कष्ट नहि अति सहज आराम से को करि परबो किंतु अतिरिक्त वर्ब एठी बीन यूज हेबो हार्ड पर बीन यूज हेबो एवं वर्ब रो थर्ड फॉर्म को यूज करबो तो ये हला तुम मानकर होमवर्क तो ए होमवर्क पई ए क्वेश्चन गुडा को नोट करो तो से अनुसार तमे आर आंसर करी मते व्हाट्सएप करो तो क्वेश्चन गुडा को मु पुनि थरे पढी दिए भीम किल्ड दुशासन An old man ate oranges. The boys were playing cricket. The teachers were teaching the students. The children had seen the magic. Someone had eaten sweets. तो ए एग्जांपल को तुम भला बरे देखि दियो स्टडी करो तो पिला माने जो होमवर्क मो बर्तन पढ़ी देली याकु तुम्हें कोन करबो पैसिव वॉइस करी तुम व्हाट्सएप रे पठाई देबो मो व्हाट्सएप नंबर नोट करो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन रे दिया जायछि नोट करी व्हाट्सएप नंबर रे तमे आरो पासिव फॉर्म करी मते होमवर्क करी पठाई देबो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे देखा करिबा।